नमस्कार दोस्तों, एशियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, स्पेशल पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के फॉर्म फिल करने में, सैनिक स्कूल को फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां कर दी थी, उनके लिए एक ऑप्शन आ चुका है। अभी जनरली 26 अक्टूबर लास्ट डेट था सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने की, लास्ट डेट 26 अक्टूबर थी, लेकिन उसे एक्सटेंड करके 5 नवंबर कर दी गई थी। अब 5 नवंबर को क्लोजिंग के बाद में 7 तारीख को, 7 नवंबर से 10 नवंबर तक करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। तो जो गार्जियंस अपने किसी बच्चे का फॉर्म फिल करने में, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया, कैटेगरी चूज करने में दिक्कत हो गई, क्लास चूज करने में दिक्कत हो गई, तो सभी ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। आप अपनी जो वेबसाइट है NTA.AISEE.com पे जाके आप अपने बच्चे का फोरम में जो भी करेक्शन है वो करेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। आइए आपको आप करेक्शन के बारे में बता देते हैं। क्या है आपको करना, ये है गूगल पे जाना। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे सैनिक एनटीए करने, सर्च करने के बाद में फर्स्ट जो लिंक ओपन होता है वो होता है https://AISEE.NTA.NIC.IN। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो साइट आपकी ओपन होती है, आपके सामने ये साइटें ओपन होती हैं। जनरली ये हो जाती है, कई बार सिक्योरिटी के पर्पज़ से ऐसा कर भी लेते हैं कि साइट ओपन नहीं हो पाती है। तो आपको नीचे प्रोसेस्ड AISEE करके दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जनरली इसके बाद में करेक्शन फॉर AISEE जो लिख रखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद में जनरली आपने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपको एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ में पासवर्ड दिए थे, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको लगाने हैं। तो मैं आपको यहाँ लगा के एप्लीकेशन नंबर दिखाता हूँ अभी। जैसे मैंने एप्लीकेशन नंबर लगाया 211 8211 81 सॉरी जो एप्लीकेशन नंबर है मैं अभी लगा देता हूँ आपका। 2 के बाद में है, फिर 2 है, 8 10 0 4 7 4 7 0 4 9 0 4 9। अब जो आपने उस टाइम पासवर्ड लगाया था वो आपको पासवर्ड लगाना है, तो मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद में आपको ठीक है, ये पासवर्ड लगाने के बाद में नीचे जो दिखा रखा है, जैसे मैं आपको शो करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो दिखा रखा है आपको, ये जो सिक्योरिटी पिन दिखा रखा है, ये सिक्योरिटी पिन ये आपको यहाँ यहाँ लगाना है। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी पिन लगा देता हूँ यहाँ पे 5151 के बाद है 9696 के बाद क्यों, और उसके बाद है 6। ठीक है, जैसे अपन इसको लेंगे, साइन इन करना है यहाँ पे। साइन इन होने के बाद में आपके जो फॉर्म खुलता है वैसे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसके नीचे नीचे यहाँ पे जाने के बाद में आपको, नीचे जाने के बाद में जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन ये दिया हुआ है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक नया फॉर्म आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि आपको करेक्शन विंडो जो दिखा रखा है, दिखाया करेक्शन इन फील्ड एप्लीकेशन फॉरम इज वन टाइम एक्टिविटी आफ्टर द अपडेशन इन एनी डाटा विल नॉट अलाउड टू, ये कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डाटा एक बार अपडेट कर देंगे, मीन्स आप सेव कर देंगे उस डाटा को, उसके बाद में वो डाटा दोबारा अपडेट नहीं होगा। तो उसके बाद करना क्या है, इसके बाद में आपको एग्री करके और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जितने भी आपको चेंजेस करने हैं वो सब आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ये चेंजेस, जैसे आपको किसी को सेंटर चेंज करना है या फिर सेंटर के अलावा जैसे भी किसी भी स्कूल को चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बाद में सबमिशन एक ही टाइम करना है, ध्यान रखने बात यही है, सबमिशन एक ही टाइम करना है। और जिस भी गार्जियंस को दिक्कत आए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9530116000 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।
इसके अलावा आपको एक नया नोटिफिकेशन और मिला है, आरएमएस के फोरम, आरएमएस 2021 के फोरम आ चुके हैं, उसके लिए हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। तब के लगे धन्यवाद।